कल था गुरु नानक जयंती और मैं पहली बार SB गुराई रोड के पास स्थित गुरुद्वारा में एंट्री किया था। आज के दिन यहाँ बहुत भीड़ होता है क्योंकि गुरु नानक जी का बर्थडे था। गुरु नानक जयंती पिछले 3 दिनों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें ये भी रोड पे निकाला गया था 6 तारीख को। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये है 8 तारीख का। ये अंदर में ढेर सारे जो लाइन आपको दिख रहे हैं, यहाँ अलग अलग स्टॉल थे, उस पर लोग एंट्री करने के लिए खड़े थे। यहाँ पर मिल्क मिल रहा था जो कि हम लोगों ने भी ग्रहण किया था, और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग स्टॉल थे जहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये हमारे फ्रेंड के साथ हम गए थे वहाँ पर। फिर वहाँ पर हम लोगों ने और भी प्रसाद खाया जो कि वहाँ मिल रहा था। फिर हमारे एक और फ्रेंड ज्वाइन किए वहाँ पर। मेक श्योर करें आप जब किसी धार्मिक स्थल में जा रहे हो तो वहाँ का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, माथा ढक के जाना चाहिए। बहुत तो माथा ढके हुए नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड थे वहाँ पर। वहाँ पर मेरा एक पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिल गया, गौरव AKA गोलू। उसके बाद मैंने जाके माथा भी ठेका वहाँ पर। मत्था टेकने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने कीर्तन भी सुना वहाँ पे। हमारे कॉरपोरेट फ्रेंड भी वहीं बैठे हुए थे जो कि खुद ही सरदार जी थे। और फिर वहाँ पे हम लोग कीर्तन सुनने के बाद चले गए लंगर खाने। ये जो क्राउड आप देख रहे हैं ये तो फिर भी कम है। मॉर्निंग में भी यहाँ पे लंगर खिलाया गया था जहाँ पे 10-20 हज़ार लोग आकर के खा के गए थे। और ये रात का टाइम था तो थोड़े कम थे, बट फिर भी बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे एंट्री करने के लिए, इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे लंगर भी मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सारे ऑरा को एंजॉय कर पा रहा था वहाँ पर। इस साल मेरे साथ बहुत सारा चीज़ पहली बार हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। हाल ही में मैं खाटू वाले का भी दर्शन किया था, वहाँ पे भी रैली पे गया था। और अब यहाँ पे सारे सरदार जी लोग वॉलेंट्री भी कर रहे थे। ये सब हम लोगों को खिलाया गया था, भात दाल रोटी खीर पानी सब्जी। और बाहर में भी बहुत सारा था। सबसे ज़्यादा जो भीड़ था वो था पुचका वाला स्टॉल में, हालांकि उसमें हम लोग नहीं गए थे। हम लोग चना खाए, राइस खाए, दूध पिए। और ये निकलने के टाइम पे ये भीड़ यहाँ पे ब्लॉक किया गया था ताकि धीरे धीरे एंट्री कराया जाएगा। बाहर में भी चाय वगैरह मिल रहा था बट हम लोग पेट फुल हो चुका था, फिर हम लोग निकल गए। ये बाहर का इतने सारे गाड़ी रखे हुए थे। एक और गुरुद्वारा है जिसका फ़ोटो मैंने डाला हो लास्ट में, जो कि वहाँ भी गए थे हम लोग लेकिन एंट्री नहीं किए थे। यहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क होता है और कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी माथा टेक सकता है, तो सभी कोई को आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो।